साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई वी से रिलेटेड। जी हाँ भाई, वी से रिलेटेड हम बात करेंगे, वीजा से रिलेटेड। अब वीजा कोई भी हो सकता है, हम बात कौन सी करेंगे कि भाई वी सरकार ने, हालांकि आप सबको पता ही होगा भाई, ये वीडियो शायद 3-4 दिन लेट ही आ रहा है कि वीजा से रिलेटेड की वी सरकार ने, दुबई सरकार ने खासतौर से हम बात करें तो उन्होंने वीजा जो खत्म हो गए थे उनको एक्सटेंड कर दिया गया है, मन मंथ के लिए और उनको बढ़ा दिया गया। जी हाँ, GDRFA ने भी ये बात अपने बयान के माध्यम से बताई है कि भाई वी सरकार ने, और उसमें अगर बात करें दुबई सरकार ने पिछले 27 दिसंबर को एक घोषणा की थी कि भाई अभी जो वीजा है उनको एक महीने का एक्सटेंड, 27 डेट लास्ट दी थी 27 दिसंबर। जी हाँ, 27 दिसंबर के बाद में एक महीने का टाइम और दे दिया गया था जनवरी तक का, कि भाई जनवरी तक जो भी वीजा एक्सटेंड वाले, जो जिनके वीजा एक्सपायर हो चुके हैं, वीजा एक्सपायर का मतलब विजिट भी हो सकता है, ट्रांजिट वीजा भी हो सकता है, वर्क परमिट वीजा भी हो सकता है, या फिर रेजिडेंशियल वीजा भी हो सकता है, या फिर बिजनेस वीजा भी हो सकता है, टूरिस्ट वीजा भी हो सकता है, कोई भी ऑलराउंडर वीजा, जितने प्रकार के दुबई में रहते हुए जिनके वीजा एक्सपायर हो चुके हैं वो लास्ट जनवरी तक अपने देश चले जाएं दुबई छोड़ के। अगर वो नहीं जाते तो उनको जुर्माने के साथ ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, या फिर उनको जुर्माना वगैरह, आपको सबको बताइए वो प्रोसेस जो होगा, ये अच्छा जुर्माना होना पर डे उनकी लगना, या फिर ब्लैकलिस्ट होना, क्योंकि आपको पता है एक्स्ट्रा रहना तो फिर ब्लैकलिस्ट की श्रेणी में आ जाता है, दोबारा बंदा नहीं जा सकता, उसके ऊपर बैन लग जाता है। तो इन चीजों को सरकार ने टाइम दिया था, लेकिन वे की जो शासक है, मैं बता दूं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जी हाँ, जो उपराष्ट्रपति भी है, वे के प्रधानमंत्री भी है, ठीक है, तो उन्होंने एक बयान अपने जारी करते हुए बोला है कि हम एक महीने का समय और बढ़ाते हैं। जी हाँ, और इसका रीजन क्या बताया, GDRFA ने भी एक बयान अपना जारी किया, इसका रीजन यही है कि अभी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, जैसे वीए में तो खुद में बढ़ रहे हैं, आपको सबको पता ही है कि एक छोटी सी कंट्री में 3,000 बढ़ते आंकड़े आना छोटी बात नहीं है। 5 मार्च को 17 लोगों की मौत हो गई, तो उनको देखते हुए बहुत सारी कंट्रियों की फ्लाइटें वापस बैन हो गई थी, आपको पता है पिछले महीने में ये एक तरह से पंगा पड़ा ही था वीए के लिए, कुवैत ने बंद कर दिया, सऊदी ने बंद कर दिया, उधर यूके में स्ट्रेन आ गया था तो फ्लाइटें बंद हो गई थी, इस तरह से काफी एक चक्कर सा चला था। तो दुबई के जो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम हैं, उन्होंने अपने बयान में बताया कि भाई हम सभी प्रकार के वीजा में एक महीने का वीजा एक्सटेंड और करते हैं। जी हाँ, तो ये एक अच्छी उन लोगों के लिए न्यूज है कि भाई जो वी में बैठे थे, जिनका वीजा एक्सपायर हो गया, टाइम खत्म हो गया, फिर भी वो लोग नहीं जा पा रहे थे। जी हाँ, तो उनको डर था कि भाई हमारा पर डे 100 दराम कम नहीं होता भाई, पहले दिन 100 दराम, फिर 50 दराम पर डे लगना, अगर फिर बहुत महंगा पड़ जाता है, फिर उनको चक्कर लगाना, एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम होना, अगर जुर्माना नहीं दोगे तो ब्लैकलिस्ट होना, वगैरह वगैरह प्रॉब्लम होती है। तो उनकी वजह से ये एक बढ़िया कदम उठाया गया है कि भाई किसी भी प्रकार के वाले वीजा है जिसमें सभी वीजा आते हैं वो दुबई में एक महीना और रह सकते हैं मार्च तक। जी हाँ, मार्च लास्ट तक ये बढ़ा दिया है, तो ये अच्छी बात है, मार्च लास्ट तक आप आराम से दुबई में रह सकते हैं वीजा खत्म होने के बावजूद भी, और बहुत सारे लोग भी पहले से रह रहे हैं। अब मार्च तक देखते हैं क्या कैसा क्या अपडेट आता है, हालांकि कोविड को कंट्रोल मेरे हिसाब से कर लिया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन मैन इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, वैक्सीन लगेगी तो इसको कंट्रोल किया जाएगा, आंकड़े डाउन होंगे तो रूटीन में वापस सिस्टम आ जाएगा, बाकी आंकड़े वीए में बढ़ रहे हैं, आप सबको पता है पर डे 30,000 आंकड़े आना छोटी बात नहीं। वीए में अगर देखा जाए तो लगभग 4,05,000 से ऊपर आंकड़े अभी तक हो चुके हैं, लगभग 1300 लोगों की डेथ हो चुकी है। जी हाँ, तो ये आंकड़े 5 मार्च को भी 17 लोगों की एक साथ डेथ हुई है छोटी सी कंट्री में, तो ये इसी को देखते हुए सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, शॉर्ट में बोले तो कि किसी भी प्रकार के वीजा वाले हैं जिनके वीजा एक्सपायर हो चुके हैं वो अपने देश नहीं लौट पा रहे हैं, तो उनको मार्च तक, अगर वो मार्च लास्ट तक भी दुबई छोड़ते हैं तो उनको बिना किसी जुर्माने के दोबारा से वो वापस दुबई जा सकते हैं। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।